प्रति अपनी कटिबद्धता को दर्शाया। सांसें हो रही हैं कम, आओ वृक्ष लगाएं हम, उप कमांडेंट। मथुरा, विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में CISF यूनिट IOC मथुरा ने कान्हा की नगरी में गोकुल बैराज स्थित श्री जी घाट यमुना तट पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी कटिबद्धता को दोहराया। इकाई के उप कमांडेंट अभिषेक कुमार साहू ने बताया कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर CISF यूनिट IOC मथुरा के समस्त वन सदस्यों ने वृक्षारोपण किया है। उन्होंने बताया कि CISF यूनिट प्रतिवर्ष मानसून सीजन में क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर वृक्षारोपण करती रहती है। इस वर्ष मानसून सीजन ने उनकी यूनिट द्वारा 3000 पौधे रोपने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उप कमांडेंट ने कहा कि प्रकृति का संरक्षण सभी की नैतिक मंडल के सेवक एवं CISF जवान मुख्य रूप से मौजूद रहे। सबसे पहले पूरे मथुरा जनपद वासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी CISF इकाई मथुरा रिफाइनरी की तरफ से आए हुए हैं और एक वृक्षारोपण कार्यक्रम हम यहां पर गोकुल बैराज पे इस उद्यान में कर रहे हैं। और इस साल मुझे बताते हुए आप सभी को बहुत हर्ष हो रहा है कि इस मानसून सीजन में अकेले हमने 2000 वृक्षों का लक्ष्य रखा है लगाने का, पौधों का लगाने का लक्ष्य रखा हुआ है और निरंतर हम इस कार्यक्रम को करते हैं। ये तीसरा साल है हमारे लिए कि हम लगातार इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और मैं आश्वासन भी देता हूं कि हम आगे भी इस तरह के कार्यक्रम आगे करते रहेंगे जो समाज के लिए, हमारे देश के लिए, कल्याण के लिए, मानवता के कल्याण के लिए उपयोगी हैं। मैं सभी से आग्रह भी करूँगा कि सभी व्यक्ति मथुरा जनपदवासी इस नेक काम में आगे आएँ और दो पेड़ अपने स्तर पर लगाएँ, उनका लालन पोषण करें और साल दो साल उनकी सेवा करें और निश्चित रूप से इस तरह से हम पूरे ब्रज क्षेत्र को बहुत ही हरियाली भरा क्षेत्र बना सकते हैं, बहुत ही सुंदर बना सकते हैं। और हम सभी जानते हैं कि वृक्षों की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, तो मैं पुनः आग्रह करूंगा कि सभी इस नेक कार्य में आगे आएं और अपनी सहभागिता दें। आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि हमारी नई नोटिफिकेशन आप तक आती रहेंगी।